बाबा बुड्ढा जी का जन्म 1506 में कत्थू नंगल जिला अमृतसर में पिता सुग्गा जी रंधावा और माता गोरा जी के घर में हुआ। बचपन में आपका नाम बूढ़ा रखा गया। कुछ समय बाद भाई बूढ़ा जी अपने परिवार समेत गांव रमदास में आकर रहने लग गए। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के समय भाई मर्दाना जी के साथ गांव रमदास पहुंचे, जहां वे भाई मर्दाना जी के साथ शब्द कीर्तन करने लगे। संगतें कीर्तन के आनंद में डूबी हुई थी। कीर्तन के समाप्ति के बाद गुरु नानक देव जी ने क्या देखा कि एक 12 वर्षीय बालक ने दूध से भरा बर्तन उनके आगे लाकर रख दिया। गुरु नानक देव जी ने जब उस बालक पर अपनी दृष्टि डाली तो बालक ने कहा, हे गुरु जी, आप मुझे जन्म मरण से मुक्त करें। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम तो अभी बच्चे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली। तो वे कहने लगा, एक दिन मेरी माँ ने चूल्हा जलाना चाहा, पर मोटी लकड़ियों पर आग न लग पाई। जब आग में छोटी लकड़ियों को डाला तो उन्होंने फटाफट आग पकड़ ली। कुछ ही समय में सारी छोटी लकड़ियां बड़ी लकड़ियों से पहले ही जल गई। तब मेरे मन में एक विचार आया कि मौत का भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता बचपन में ही आ जाए। गुरु जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे तो खेलने कूदने के दिन है, बातें तो तुम बड़ों वाली करते हो। तब उस बालक ने बताया कि एक बार मुगलों के कुछ सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर हमारे खेत में जबरदस्ती घुस गए। वे पक्की फसलों को तोड़कर अपने साथ ले गए और कच्ची फसलों को घोड़ों ने पांव तले रौंद दिया। इस घटना का भी मेरे दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में आया कि जिस तरह कच्ची फसलों को घोड़ों ने पांव तले रौंद दिया, उसी तरह मौत का क्या, वह तो बचपन में भी आ सकती है। तो कहीं यह मनुष्य जीवन भक्ति के बिना बर्बाद ना हो जाए। छोटे से बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर गुरु जी ने तब कहा, तुम बचपन में ही बूढ़ों जैसी बातें करते हो, अब से तुम्हें सभी लोग बाबा बुड्ढा जी के नाम से जाना करेंगे। उसी वक्त गुरु नानक देव जी अपने आसन से उठे और बालक बूढ़ा को बड़े प्यार से अपने गले से लगाते हुए कहा, बुढ़िया, तेरे तो ओला कदे ना होसी, जिसका अर्थ है कि मैं तेरे से कभी दूर नहीं होऊंगा और किसी भी रूप में मैं तुझे दर्शन अवश्य दूंगा। तब भाई मर्दाना जी ने गुरु जी के आगे एक प्रश्न रखा कि आपने गुरु जी इस बालक पर बहुत कृपा की है। गुरु जी ने कहा, इस बालक पर तो पहले से ही करतार की कृपा है, ये भविष्य में एक जपी तपी भक्त बनेगा, इसकी लंबी आयु होगी, इसके पास तेल दिया और बाती तो है, सिर्फ जगाने की जरूरत है, जब जग गया तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। बाबा बुड्ढा जी पर गुरु नानक देव जी का ऐसा असर हुआ कि वे अपना घर बार छोड़कर गुरु नानक देव जी के साथ करतारपुर आ गए। उन्होंने अपने माँ बाप को कह दिया कि मैं अब सतगुरु का हो चुका हूँ, अब से मैंने अपना सारा जीवन सतगुरु को समर्पित कर दिया है। कहते हैं कि तब बाबा जी करतारपुर जाकर सारा सारा दिन गुरु घर में आई संगतों की सेवा किया करते, झाड़ू लगाया करते, पंखा झुलाते, कपड़े धोते और लंगर की सेवा करने के बाद हरी हरी घास काटकर गुरु जी के पशुओं को खिलाया करते। इस प्रकार बाबा बुड्ढा जी एक रस निस्वार्थ भाव से सेवा किया करते। कहते हैं कि वे सेवा में इतने मस्त हो जाया करते कि उनको खाना पीना सोना भी भूल गया। दिन में बाकी समय जो उन्हें मिला करता, वे नाम जपने और गुरबानी सुनने में सुख शांति महसूस करने लगे। जब गुरु नानक देव जी धर्म के प्रचार के लिए भाई मर्दाना जी के साथ उदासियों पर चले गए, तो बाबा बुड्ढा जी गुरु नानक देव जी के घर में रहकर माता सुलखनी जी और उनके साहिबजादे बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी की दिन रात सेवा किया करते। उस समय बाबा जी की उम्र महज 13 वर्ष थी। उम्र छोटी होने के बावजूद भी बाबा जी ने निस्वार्थ भाव से सेवा निभाई। बाबा बुड्ढा जी जब 20 वर्ष के हुए तो एक बार उनके माता पिता जी करतारपुर उनसे मिलने आए और कहा, पुत्र, अब तुम्हारी उम्र
विवाह योग्य हो चुकी है, अब तुम हमारे साथ घर को चलो। विवाह के बाद कुछ समय घर रहकर चाहे तुम वापिस आ जाना। ये सुनकर बाबा जी तब परेशान होकर बोले, मैंने विवाह नहीं करना, केवल गुरु जी की सेवा करके मुक्ति हासिल करनी है। दुनियादारी के झमेलों में मुझे नहीं पड़ना, क्योंकि दुनियादारी तो नरकों में ले जाती है। ऐसे वचन करके वे अपने माता पिता को टालते रहे। कहते हैं तब उनके माता पिता ने गुरु नानक देव जी के आगे फरियाद की, हे गुरु जी, हमारा केवल एक ही पुत्र है, सारी खुशियाँ इसी के साथ हैं, कृपा करके इसे समझाएं कि ये विवाह के लिए सहमत हो जाए, ताकि हमारे वंश का नाम आगे चलता रहे। हाँ, अगर एक और पुत्र होता तो जरूर हम उसे साधु बना देते, पर हमारा यह इकलौता पुत्र है। इतनी विनती सुनकर गुरुजी मुस्कुरा कर कहने लगे, हमारी सिक्खी गृहस्थियों की सिक्खी है, गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम धर्म है। आप चिंता ना करें, आपके पुत्र का विवाह अवश्य ही होगा। यह कहकर उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को अपने पास बुलवाया। कहते हैं तब बाबा जी दौड़े आए। गुरु जी ने कहा, बेटा, तेरे माता पिता आए हैं, तेरे विवाह की बात कर रहे हैं, तुम इनकी बात मान लो। और एक अच्छे पुत्र का धर्म यही है कि वे अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। ऐसे वचन सुनकर बाबा जी तब व्याकुल हो उठे, गुरु जी के आगे हाथ जोड़े, आंखों में जल भरकर कहा, गुरु जी, मैं तो केवल आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, मुझे गृहस्थ के कठिन और अंधकारमय जंगल में ना धकेलो, बस मुझे गुरु घर की सेवा करने दो। कहते हैं तब गुरु नानक देव जी अपने आसन से उठे और बाबा बुड्ढा जी को अपने गले से लगा लिया और प्यार से कहा, बेटा, एक गृहस्थ मनुष्य ही पूर्ण भक्ति कर सकता है। माया में रहकर फिर कमल के फूल की तरह माया से ऊपर रहना ही तो धर्म है। एक गृहस्थ के घर दो वक्त का भोजन तैयार होता है, आया गया भोजन छकता है, साधु संतों को भोजन मिलता है, जीव जंतुओं को भी भोजन मिलता है, ये सब सेवा ही तो है। कभी मन चंचल होता है, वासना की आग भी कई बार भक्त की भक्ति को भंग कर देती है। गृहस्थी ही मनुष्य को वासना की आग से बचाती है, बाल बच्चे मन को शांति देते हैं। इस तरह गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को समझाया तो बाबा जी विवाह करने के लिए राजी हो गए। बटाले के अचल गांव की मिरोहा नाम की लड़की से उनका विवाह तय हो गया। इतिहास में उल्लेख है कि बाबा बुड्ढा जी के विवाह में गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्र बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी तथा माता सुलक्षणी जी भी शामिल हुए थे। विवाह हो जाने के बाद भी बाबा जी घर में कुछ ही समा बिताते, पर करतारपुर ज्यादा समा बिताया करते। बाबा जी का गुरु नानक देव जी के साथ ऐसा प्यार हो गया कि जब बाबा जी अपने गांव में हुआ करते तो गुरु नानक देव जी भी वहीं आ जाया करते। अगर गुरु जी करतारपुर में होते तो बाबा बुड्ढा जी भी वहीं चले जाया करते। ऐसा प्यार था बाबा जी में और गुरु नानक देव जी में। कहते हैं सन 1539 में जब गुरु नानक देव जी का शरीर त्यागने का समय करीब आ गया तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अंगद देव जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित कर दिया। गुरुगद्दी के समय गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को गुरु अंगद देव जी को गुरुगद्दी का तिलक लगाने को कहा और यह वचन किया कि अब से आपने भविष्य में होने वाले गुरुओं की गुरुगद्दी की रस्म निभानी है और सिक्खी को संभालना है। तब बाबा जी ने गुरु जी की आज्ञा मानकर गुरु अंगद देव जी को तिलक लगाकर उन्हें सिखों का दूसरा गुरु बना दिया। इस तरह बाबा जी का सम्मान और अधिक बढ़ गया। गुरु नानक देव जी के दिए वर के कारण ही बाबा बुड्ढा जी ने छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक गुरुगद्दी की रस्म निभाई। इतिहास में दर्ज है कि बाबा बुड्ढा जी के बाद उनके पोतों ने सातवें गुरु, आठवें गुरु, नौवें गुरु, दसवें गुरु और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरुगद्दी की रस्म निभाई थी।
कहते हैं गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को सिखों का दूसरा गुरु बनाने के बाद एक वचन किया कि अब से उन्हें खडूर साहिब में रहकर ही सिखी का प्रचार करना है। इसलिए गुरु अंगद देव जी तब खडूर साहिब चले गए। गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत समाने के बाद गुरु अंगद देव जी के मन में बहुत वैराग हो गया। उन्होंने एकांत में बैठने का फैसला लिया। तब वे गुरु घर के सेवक भाई निहाले के घर जा पहुंचे। उसकी धर्म पत्नी माई विराई, जो कि गुरु अंगद देव जी के ही गांव की रहने वाली थी, गुरु जी ने अपनी धर्म की बहन माई विराई को कहा कि हमें कुछ समय एकांत में बैठना है। अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो आपने उसे कुछ नहीं बताना। इतने वचन कहकर गुरु अंगद देव जी ने अपने को एक कमरे में कैद कर लिया। गुरु जी की आज्ञा मानकर माई विराई जी ने उस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के ध्यान में समाधि में तब लीन हो गए। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। दूसरी तरफ संगते अपने गुरु अंगद देव जी के लिए बेचैन हो उठी, क्योंकि उन्हें गुरु अंगद देव जी का कोई पता ना था कि वे कहाँ हैं। कुछ सिखों ने सलाह करके बाबा बुड्ढा जी से कहा, बाबा जी गुरु अंगद देव जी नहीं मिल रहे। गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा प्रतीत हो रहा है। हम ढूंढ कर थक गए हैं, हमें सतगुरु जी का पता बताएं। तब बाबा जी ने उनकी विनती सुनी और मुस्कुराकर बोले, सतगुरु जी की महिमा अपरंपार है, बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। ऐसा कहकर तब बाबा जी की समाधि लग गई और वो अंतर ध्यान हो गए। मन उनका उड़कर सतगुरु जी को ढूंढने चला गया। सारे सिख हाथ जोड़कर सतकरतार सतकरतार और धन निरंकार का जाप करने लगे। काफी समय बाद जब बाबा बुड्ढा जी की समाधि खुली तो वे बोले, गुरु अंगद देव जी तो गुरु नानक देव जी के चरणों के साथ लिव जोड़ी बैठे हैं, उन्हें जगत और संगत का तो ध्यान ही नहीं रहा। कहते हैं कि उसी समय बाबा जी तलवंडी से खडूर साहिब को चल पड़े और उनके पीछे पीछे सारी संगतें गुरु नानक देव जी के शब्द पढ़ते हुए चल पड़ी। खडूर साहिब पहुँच कर बाबा जी माई विराई के घर आकर रुक गए। अंतर्यामी बाबा बुड्ढा जी समझ चुके थे कि गुरु जी माई विराई के घर में हैं, पर माई विराई भी गुरु जी की आज्ञा से बंधी हुई थी। बाबा बुड्ढा जी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि संगतों को कहा कि वे कीर्तन करें। इतिहास में दर्ज है, गुरु नानक देव जी के शब्द की धुन सुनते ही गुरु अंगद देव जी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया और तब माई विराई ने ताला खोल दिया। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी बाहर आ गए, सभी को दर्शन देकर निहाल कर दिया और फिर सभी संतों के साथ वे वापस खडूर साहिब आ गए। इस युक्ति से बाबा बुड्ढा जी ने माई विराई का प्रण भी कायम रखा और गुरु जी के दीदार भी संगतों को करा दिए। इस प्रकार बाबा बुड्ढा जी का सभी ने तब बड़ा गुणगान किया। ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा जी गुरु घर के एक ऐसे सेवक थे जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र से लेकर 125 वर्ष की उम्र तक गुरु घर की सेवा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से निभाई। अगर हम सिख इतिहास को देखें तो केवल बाबा जी ऐसे सौभाग्यशाली सिख हुए हैं जिन्होंने सिख पंथ के पहले गुरु श्री नानक देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक गुरुओं के दर्शन दीदारे किए। साथ ही सातवें गुरु हर राय जी और नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के भी दर्शन दीदारे किए। 5 गुरुओं की गुरुगद्दी की रस्में निभाई। कुल 113 वर्ष गुरुओं की सेवा में तत्पर रहे, पर उनमें तिनका मात्र भी अहंकार नहीं था। उन्हें तभी तो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की उपाधि दी गई। गुरु अंगद देव जी के बड़े प्यारे सेवक अमरदास जी थे, जो हर रोज ब्यास दरिया से जल की गागर भरकर लाया करते और गुरु अंगद देव जी को सुबह स्नान कराने की सेवा किया करते थे।
बाबा बुड्ढा जी देख रहे थे कि जहाँ बाबा अमरदास जी गुरु की सेवा में जुटे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ गुरु अंगद देव जी के दोनों पुत्र दातू जी और दासू जी ईर्ष्या में जल रहे थे, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि उनके गुरु पिता ने गुरुगद्दी अपने सेवक अमरदास जी को ही देनी है। तब बाबा जी ने गुरु पुत्रों को समझाया कि ये कोई पैतृक जायदाद नहीं है, सेवा करने वाले को ही फल मिलता है। इसके बाद गुरु अंगद देव जी ने अपने सामने बाबा बुड्ढा जी को गुरु अमरदास जी को तिलक लगवाकर तीसरा गुरु बना दिया। दुश्मनी ना बढ़े इसलिए तीसरे गुरु अमरदास जी खडूर साहिब छोड़कर बाबा बुड्ढा जी के साथ गोविंदवाल आ गए। गुरु अंगद देव जी के पुत्र दातू भी तब गोविंदवाल आ गया। गुस्से में भरकर उससे भरी संगत में तख्त पर बैठे गुरु अमरदास जी को टांग मारकर गिरा दिया और खुद गद्दी पर गुरु बनकर बैठ गया। शांति के पुंज गुरु अमरदास जी ने बल्कि दातू के पैर पकड़कर कहा कि मेरी बूढ़ी हड्डियों से आपके कोमल शरीर को अगर चोट पहुंची हो तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पर दातू को इस बात का कोई असर ही ना हुआ। इसके बाद गुरु अमरदास जी बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर सवार होकर अपने गांव बासर के चले गए। कुछ समय बाद वह घोड़ी वापस अपने स्थान पर खड़ी हो गई। उस समय बाबा बुड्ढा जी अपने घर गए हुए थे। जब उन्हें खबर मिली तब वे गोविंदवाल आ गए और संतों को उन्होंने धीरज देकर कहा, जो घोड़ी वापस मुड़कर आई है उसको खुला छोड़ दिया जाए और उसके पीछे शब्द कीर्तन करते हुए तब वे संतों के साथ चल पड़े। कहते हैं तब बाबा जी आगे आगे और पीछे सारी संगतें चली आ रही थी। कुछ समय बाद वह घोड़ी बासरके के एक घर के बाहर आकर रुक गई, पर दरवाजे पर लिखे हुए शब्द पढ़कर संगतें तब बड़े मायूस हो गई कि जो कोई दरवाजा खोलेगा वो हमारा सिख नहीं होगा और हम उसके गुरु नहीं। संगते बड़े मायूस होकर बाबा जी के आगे तब फरियाद करने लगी। तब बाबा जी ने कमरे की पिछली दीवार में एक बड़ा सा छेद बना दिया जिसमें से वे अंदर दाखिल हुए, जहां गुरु अमरदास जी समाधि में लीन थे। बाबा जी ने उनके चरणों पर माथा टेका। तब गुरु जी ने कहा, बाबा जी आपने दरवाजे पर लिखा नहीं पढ़ा, आपने तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। पर बाबा जी ने कहा, हमने आपका दरवाजा नहीं खोला बल्कि हमने तो पिछली दीवार में से रास्ता बनाया है। इतना सुनकर गुरु अमरदास जी ने बाबा जी को अपने गले से लगा लिया। सारी संगते तब प्रसन्नता से भरकर बोल उठी, तन पाई बुड्ढा जिन कुर लद्दा। गुरु अमरदास जी ने तब बाबा जी से कहा कि तू सिखी का एक चमकता सितारा है। और फिर वे संगतों के साथ गोविंदवाल आ गई। इसी प्रकार आगे चलकर बाबा जी ने चौथे गुरु रामदास जी को भी गुरुगद्दी का तिलक लगाकर रस्म निभाई। इतिहास में दर्ज है कि पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की गुरुगद्दी की रस्म निभाने से पहले चौथे गुरु रामदास जी ने तब बाबा बुड्ढा जी से एक सवाल किया कि हे बाबा जी, आप गुरु नानक देव जी के बड़े प्यारे सेवक हो, गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी के दर्शन दीदारे भी कर चुके हो, तो अब आप हमें ये बताएं कि मेरा पुत्र अर्जुन गुरुगद्दी के लायक हुआ है या नहीं। तब बाबा जी ने उत्तर दिया कि आपके तीनों पुत्रों में से अर्जुन देव जी ही गद्दी संभालने के योग्य हैं, क्योंकि उनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। इस बात से यह पता चलता है कि बाबा बुड्ढा जी को गुरुओं ने कितना मान बख्शा है। 16 अगस्त 1604 ईस्वी को श्री गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तब उन्होंने श्री आदि ग्रंथ की स्थापना करते समय बाबा बुड्ढा जी के सिर पर वह ग्रंथ रखवाया और श्री हरमंदिर साहिब में स्थापित किया। गुरु जी ने बाबा जी को श्री हरमंदिर साहिब का पहला ग्रंथी नियुक्त कर दिया। बाबा जी सभी संतों को तब आदि ग्रंथ के सरल अर्थ करके
समझाया करते थे। इस प्रकार हर रोज श्री हरमंदिर साहिब में नियम से वाणी का पाठ किया जाने लगा, जिसे सुनकर संगतें निहाल हो उठती। उस समय की वह चलाई हुई मर्यादा आज भी बिल्कुल वैसे ही चली आ रही है। सभी गुरु साहिबान बाबा बुड्ढा जी का बहुत आदर किया करते थे। गुरु अर्जन देव जी तो भरे दरबार में बाबा जी के सम्मान में खड़े हो जाया करते। बाबा जी ने अनेक मुसीबतों के समय में अपनी दूरदृष्टि और कुशल बुद्धि से सिखों का मार्गदर्शन किया और सभी को संगठित किया। पांचवे गुरु अर्जन देव जी को एक महाप्रतापी पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान भी बाबा बुड्ढा जी से मिला था। इतिहास में दर्ज है, गुरु अर्जन देव जी के विवाह के काफी समय तक जब कोई औलाद ना हुई तो उनकी पत्नी माता गंगा बहुत उदास रहने लगी, जिसे देखकर गुरु जी ने माता गंगा जी को बाबा बुड्ढा जी के पास पुत्र प्राप्ति का वर मांगने भेजा। और उन्हें समझाते हुए गुरु जी ने कहा कि आप बाबा जी से बड़ी सादगी और विनम्रता से वर मांगना, मिस्सी रोटी अचार प्याज और लस्सी खुद अपने हाथों से बनाकर नंगे पैर पैदल जाकर बाबा जी को भोजन कराना। इस प्रकार माता जी अपने पति की आज्ञा मानकर बाबा जी के पास गई। तब बाबा जी ने माता जी की सादगी सेवा भाव और प्रेम देखकर बड़े प्यार से भोजन ग्रहण किया और अपने हाथों से प्याज को मुक्की मारते हुए कहा, माता आपके घर एक महाप्रतापी और तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो इस प्याज की तरह दुष्ट तुर्कों का सिर तोड़ देगा। कहते हैं 10 महीनों बाद गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के घर एक महाप्रतापी और गुरु नानक देव जी की छठी जोत गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ। ऐसी मान्यता है कि आज भी अगर कोई श्रद्धालु प्रेम भाव से मिस्सी रोटी लस्सी प्याज और अचार लेकर बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे बीड़ बाबा बुड्ढा जी जाता है, उसको संतान की प्राप्ति होती है। इतिहास में दर्ज है कि बालक हरगोबिंद साहिब जी का नामकरण भी बाबा बुड्ढा जी ने ही किया था। उनको शिक्षा दीक्षा भी बाबा जी के द्वारा मिली और इसके अलावा घुड़सवारी शस्त्र विद्या भी बाबा जी ने ही सिखाई थी। पांचवें गुरु श्री अर्जन देव जी की शहादत के बाद उनके पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी को छठे पातशाह के रूप में गुरुगद्दी की रस्म भी बाबा जी ने निभाई तथा मीरी पीरी की 2 तलवारें भी पहनाई। जब जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था तो बाबा बुड्ढा जी ने ही सिख संतों का मनोबल बनाए रखने में खास भूमिका निभाई थी। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री हरमंदिर साहिब में अकाल तख्त के निर्माण की सारी जिम्मेदारी बाबा जी को सौंपी थी। बाबा जी अपने जीवन के अंतिम वर्ष अपने गांव रमदास में बिताना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी से गांव जाने की आज्ञा ली और उनके आगे प्रार्थना की कि मेरे जीवन के आखिरी समय में आप अपने दास को दर्शन देने की कृपालता करना। बाबा जी 125 वर्ष की आयु होने पर भी थके नहीं, रुके नहीं, बल्कि संगतों को गुरबानी का अभ्यास कराते रहे। अपना अंतिम समय आने पर आपने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को तब संदेश भिजवाया कि कृपा करके अपने दास को दर्शन दे। तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी संदेशा मिलते ही तुरंत रमदास पहुंचे और बाबा जी के चरण छुए। इस बात से पता चलता है कि सभी गुरुओं ने बाबा बुड्ढा जी को गुरु घर का सेवक ना मानकर बल्कि बाबा जी को गुरुओं के समान स्थान दिया। बाबा जी के आखिरी पलों में गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा जी से पूछा कि आप जी को पहली पातशाही से लेकर सभी गुरुओं के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिससे आपने उनके अनमोल वचनों को अपने हृदय में धारण किया, इसलिए आप कृपा करके हमें बताएं कि सिखी कैसे कमाई जाती है। तब बाबा जी ने गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं तो एक तुच्छ साधारण सा इंसान हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति कहाँ जो आपके सवाल का जवाब दे सकूं। तब बाबा जी ने कहा, कृपा करके गुरु जी आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करें
केवल एक बार अपने मुख से कह दें कि आपने अपने सेवक को माफ किया। गुरुजी ने तब एक शब्द का उच्चारण किया, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परयारे, जिसका अर्थ है, हे भाई, जिन मनुष्यों ने गुरु नानक देव जी के उपदेश को सुना है, गुरु नानक देव जी के दर्शन किए हैं, वे कभी जन्म मरण के चक्रों में नहीं पड़ता, वे तो मुक्त है। इस घटना से ये पता चलता है कि बाबा बुड्ढा जी जीते जी ही संसार समुद्र से पार हो चुके थे। कहते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी बाबा बुड्ढा जी के साथ सारी रात तक बैठे रहे। अमृत समय जब बाबा जी ने अपना शरीर त्याग दिया, तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने हाथों से बाबा जी को स्नान करवाया, फिर उनका दाह संस्कार किया। अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर गांव रंदास में जहां बाबा जी ने आखिरी श्वास लिए, वहां उनकी याद में गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बुड्ढा जी स्थापित है, जहां हर साल देश विदेश से संगते आकर बाबा जी के स्थान पर नतमस्तक होती हैं। तो ऐसा था बाबा बुड्ढा जी का जीवन। ऐसी और साखियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।